दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने YouTube चैनल कृष्णा फैंटेसी में। एंड आज हम बात करेंगे पॉन्डिचेरी T10 मैच के बारे में जो कि यहाँ से खेला जाएगा रॉयल्स वर्सेस पैट्रियट्स के बीच। दोस्तों ये मैच आपके इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है क्योंकि इस मैच में कुछ ऐसे ट्रम्प प्लेयर होने वाले हैं जिनका सेलेक्शन जो है वो ना के बराबर है और वही प्लेयर आपको इस मैच में आसानी से विन करवा देंगे। कौन से वो प्लेयर होने वाले हैं, साथ ही साथ में कौन सा बैट्समैन का बैटिंग करेगा, कौन सा बॉलर का बॉलिंग करेगा, सारा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल के साथ बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अगर बात करें हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में, हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है कृष्णा फैंटेसी, आप देख सकते हो। दोस्तों इस मैच की जो फाइनल टीम है वो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो जल्दी से आइए, लिंक पे क्लिक करिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। फाइनल टीम आपको यहीं पे मिलने वाली है। अगर मैं आपको रीसेंट मैचेस का रिजल्ट भी बताऊं तो आप देख सकते हो लगातार हमने हर मैचेस में आप एक क्लीन स्वीप ही करा है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ टेलीग्राम से जुड़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों अगर बात करें इस मैच के लिए हमारी टीम के बारे में, तो उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो भी भाई नए हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए तो YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप इस वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, मुझे भी सपोर्ट मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। उम्मीद करता हूँ अब तक आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। बात करें हमारी टीम के बारे में, विकेट कीपर में नायडू का आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। ओपन करेंगे लास्ट रन में 22 रन इन्होंने करे, उससे पहले 21 रन इन्होंने करे, फिर 215 रन करे, 19 रन इन्होंने करे, 24 रन करे, शानदार परफॉर्मेंस रही है। T10 के अकॉर्डिंग आप इनको टीम में रख सकते हो। जी तवर का बैटिंग ऑर्डर नीचे रहेगा, आप ड्रॉप कर सकते हो। बी आनंद आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे, लास्ट में 28 रन करे, उससे पहले 55 रन करे, फिर 63 रन की एक शानदार इनिंग्स खेली थी, तो रीसेंट का परफॉर्मेंस इनका भी काफ़ी अच्छा रहा है, आप इनको भी अपनी टीम में लेके आसानी से चल सकते हो। इनके अलावा अगर हम यहाँ से बात करें वीरेंद्र प्रताप के बारे में, दोस्तों तो अभी तक इतना कुछ खास वैसे परफॉर्मेंस रहा नहीं है। लास्ट में 12 रन इन्होंने करे, फिर 2 रन पे आउट हो गए, 5 रन पे आउट हो गए, आप चाहो तो इनको अपनी टीम में लेके चल सकते हो। मैं फिलहाल नायडू और बी आनंद को अपनी टीम में रख रहा हूँ। बैटिंग के बारे में बात करें दोस्तों, एन खान का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। यार बैटिंग ऑर्डर नंबर 5 पे रहेगा, ग्राइंडिंग में ट्राई कर सकते हो। अगर पहले इनकी टीम बैटिंग करती है तो आपके लिए गेम चेंजर बन सकते हैं। इनके अलावा अगर हम यहाँ से किसी और के बारे में देखें जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट ऑप्शन होने वाला है, तो देखो शर्मा होने वाले, ओपन करेंगे, लास्ट में 16 रन इन्होंने करे थे, आपके लिए एक अच्छे ऑप्शन है, प्लस एक विकेट भी निकाले, बैटिंग बॉलिंग करेंगे, आप इनको रख सकते हो। इनके अलावा एस कुमारन का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो नंबर 5 पर बैटिंग भी करते प्लस बॉलिंग भी करते, इसलिए आप इनको भी अपनी टीम में लेके चल सकते हो। इनके अलावा यहाँ पे ई कुमार का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। अगर हम परफॉर्मेंस देखते हैं यार, बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे रहेगा तो मैं ज़्यादा सजेस्ट करूँगा नहीं, दो आप बैट्समैन रख सकते हो। ऑलराउंडर के बारे में बात करते हैं, टिवागर का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। अगर हम बात करें बॉलिंग के बारे में, लास्ट में एक विकेट इन्होंने निकाले थे दोस्तों, और बैटिंग ऑर्डर देखो काफ़ी नीचे रहता है, मेन चीज़ इनकी बॉलिंग रहती है, तो बॉलिंग ही आप देखना। लास्ट में एक विकेट निकाले, हालांकि डीसन के 5 मैचेस में 2 विकेट निकाले और 6 मैचेस में 4 विकेट इन्होंने निकाले, आप इनको लेके चल सकते हो। एस खरे एक और अच्छे ऑप्शन होने वाले, नंबर 5 पे बैटिंग कर लेते। अगर हम बात करें लास्ट मैच में 2 रन पे खैर जल्दी आउट हो गए दोस्तों, उससे पहले 6 रन करे, फिर 31 रन करे, 6 रन करे, 36 रन करे, प्लेयर अच्छे, आप इनको लेके चल सकते हो। वगानी लास्ट मैच खेले नहीं, ये मैच खेलेंगे तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। एस हरीराम का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। दोस्तों परफॉर्मेंस के बारे में अगर हम बात करते हैं, इनका किस टाइप का परफॉर्मेंस रहने वाला है आपके लिए इम्पोर्टेंट है नहीं इम्पोर्टेंट दोस्तों, तो बैटिंग ऑर्डर आपको थोड़ा नीचे नज़र आएगा, पहले इनकी टीम बैटिंग करती है तो आप रख सकते हो, अदरवाइज ड्रॉप करके चल सकते हो। इनके अलावा वी राजाराम का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। दोस्तों परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं, किस टाइप का रहेगा आपके लिए इम्पोर्टेंट है नहीं इम्पोर्टेंट, तो वो भी मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। देखिए लास्ट मैच के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 13 रन इन्होंने करे थे बैटिंग से, प्लस एक विकेट निकाले, ये बॉलिंग से इनकी ज़्यादा अच्छी बॉलिंग है और बैटिंग से भी रन करके दे सकते हैं, इसलिए आप इनको भी अपनी टीम में रख सकते हो। बाकी तो यहाँ पे वी वर्ड्स का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। नंबर 4 पे आपको बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों लास्ट मैच के बारे में बात करूँ, 20 रन इन्होंने करे थे, उससे पहले 0 रन करे, 14 रन करे, 2 रन करे, ग्रैंड लीग में ज़रूर ट्राई करिएगा पहले बैटिंग में।
तीन हम ऑलराउंडर लेके चल रहे हैं। बॉलिंग में बात करिए, राजा गोपाल का आपके पास एक अच्छा ऑप्शन होने वाला है, जिनको आप इस मैच में अपनी टीम में लेके चल सकते हो। लास्ट में एक विकेट निकाले और रीसेंट के 5 मैचेस में अभी तक 4 विकेट इन्होंने निकाले। सुब्रमण्यम का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, लास्ट मिनट में 2 विकेट निकाले, स्पिन बॉलिंग करवाएंगे, विकेट निकाल के दे सकते हैं। रीसेंट के 5 मैचेस में 6 विकेट निकाले। हरिप्रसाद नंबर 5 पे बैटिंग भी कर लेते प्लस बॉलिंग भी करवा लेते, तो ये आपके लिए एक अच्छे ऑप्शन है। लास्ट मिनट में 2 विकेट निकाले, रीसेंट के 5 मैचेस के बारे में बात करूँ 6 विकेट निकाले। एस मंगेश का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, डेथ में भी बॉलिंग करवा लेते, लास्ट मिनट में 2 विकेट निकाले, रीसेंट के 5 मैचेस में सेम 6 विकेट इन्होंने निकाले। इनके अलावा यहाँ पे जवारस का आपके पास ऑप्शन होने वाला है दोस्तों, लॉरेंस पहले बॉलिंग में रखना, लास्ट मैच में 1 विकेट निकाले, रीसेंट के 5 मैचेस में 4 विकेट निकाले। शिशिर का आपके पास ऑप्शन होने वाला है दोस्तों, लास्ट मिनट में कोई विकेट नहीं निकाल पाए, रीसेंट के 5 मैचेस में 3 विकेट निकाले, फर्स्ट बैटिंग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। बाकी एम अजय लास्ट मैच खेले नहीं, खेलेंगे अपडेट कर दूंगा, बाकी कोई मुझे खास नहीं लग रहा। फिलहाल में राजा गोपाल एक अच्छे ऑप्शन होने वाले जिनको आप रख सकते हो, हरी प्रसाद को रख सकते हो दोस्तों, सुब्रमण्यम को आप लेके चल सकते हो और यहाँ से शिर को अपनी टीम में रख सकते हो। कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में बात करिए जिनको आप कर सकते हो। देखो ए शर्मा एक अच्छे ऑप्शन है क्योंकि ये आपको जो है बैटिंग बॉलिंग करके दे देंगे। वाइस कैप्टन के बारे में बात करूँ मैं, एच प्रसाद को कर रहा हूँ, आप राजा राम के साथ भी जा सकते हैं। फिलहाल ये हमारी टीम का प्रिव्यू, आप इस टीम के साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, फाइनल टीम टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।